बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सबको पता है कि आज पहले हमारे बैरिस्टर शेर अफजल मरवत बलूचिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर मरकजी, तो उसको इन बुजदिलों ने जो है वो लाहौर में कल अरेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है वो प्लान ये था कि बैरिस्टर सैयद शाहीन कोर कमेटी मेंबर और इमरान खान साहब का जो है वो वोकल पर्सन है वो बलूचिस्तान आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया है। और उसको ये कहा गया कि आपने बाइजाब यहां से या वापस जाना है या आपको थ्री एमपीयू के तहत जो है वो हम लोग अंदर कर देंगे। तो पाकिस्तान के तरीके हिसाब के बहुत सारे चाहने वाले यहां पे खान के फॉलोअर जो है वो मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम खड़े आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। ये जो एक रियासत है, यहां पे दो दस्तूर है, दो कानून है। एक तरफ जो है वो पीडीएम के लिए सारी जो प्रोटोकॉल है, सारे मामला उनके लिए आसानियां पैदा करे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश। इतना डर और खौफ खान के एक अदना खिलाड़ी से, तो आप खान का क्या मुकाबला करोगे? इंशाल्लाह ताला खान 8 फरवरी को जुल्म का बदला इंशाल्लाह ताला वोट से लेंगे। ये तीन कन्वेंशन बलूचिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कन्वेंशन होंगे इंशाल्लाह। आप अवाम के दिलों को नहीं मोड़ सकते हो, आप अवाम ने जो फैसला कर लिया इंशाल्लाह ताला वो आपको लग पता जाएगा। ये जो तीन हमले कन्वेंशन रखे इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के तारीख के सबसे बड़े जलसे होंगे। अभी हम उस दिल नहीं है इंशाल्लाह ताला, हम अपने मेहमान की हिफाजत करेंगे। एक मरतबा इंशाल्लाह ताला वो बाहर आ जाए उसको फिर हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इतने डरे हुए हो, इतने समय हुए हो, तो आप अपने फैसला चेंज कर दो। आपने जो गलतियां की पिछले दो सालों में, आप फैसला चेंज कर दो, आप जो है वो सही रास्ते पे चलो, आप आवाम के साथ आके आवाम का फैसला मान लो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।